तीन चार चीजें जो आइडेंटिफाई की गई थी पहले, कहती थी कि वहाँ के लोगों के पास सोशल इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर उनके पास क्या होना चाहिए, पर्सनल, जिसे इंडिविजुअल इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे आजकल इंडिया में भी बहुत चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ कि जो एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, शुड स्पेंड, ठीक है, सम पार्ट ऑफ हिज इनकम, ठीक है, टू द पुअर, मतलब सभी लोगों को अपनी इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट गरीबों को देना चाहिए, ठीक है। और अल्टीमेटली इस तीनों चीजों को का एम क्या होगा कि तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, या वेलफेयर ऑफ द नीडी पीपल, तो इस रिपोर्ट ने कहा। और इस लोगों, इस रिपोर्ट के पास काफी लोगों के पास एक सोचने का, ठीक है, प्लेटफॉर्म मिला कि ये चीजें जो है सोसाइटी में होनी चाहिए और इन चीजों की जरूरत है, अदरवाइज जो है वेलफेयर एक्टिविटी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। फिर तो उसी के बाद एक और आपको याद करना पड़ेगा, ऑक्टाविया हिल सोसाइटी, ठीक है। ऑक्टाविया हिल सोसाइटी क्या थी, ये कुछ नहीं थी, ये कुछ इंडिविजुअल, ठीक है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, ये लोगों के पास जाते थे, ठीक है, पुअर पीपल के पास, उनकी हेल्प करते थे, ठीक है, जिनके को मेडिसिन नहीं थी तो फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते थे, ठीक है, उनको क्लॉथ्स प्रोवाइड करते थे, उनको फूड प्रोवाइड करते थे, तो ऑक्टाविया हिल सोसाइटी तो बहुत फेमस हुई थी। तो लोगों का ध्यान गया किसके ऊपर, सोशल सर्विस के ऊपर, कि हाँ अब हमें भी सोशल सर्विस करनी चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऑक्टाविया हिल सोसाइटी के बाद क्या था, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, SETLEMENT हाउस मूवमेंट, ठीक है। सेटलमेंट हाउस मूवमेंट क्या था, ये जो अमीर स्टूडेंट है, ठीक है, वेल्थी स्टूडेंट का ग्रुप था, ये क्या करते थे, स्लम एरिया में जाते थे, ठीक है, स्लम एरिया में जाते थे और यही काम करते थे, पुअर की हेल्प करना, मेडिसिन, क्लॉथ, फूड सर्विस, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा हुई, ठीक है। बेवरेज रिपोर्ट के बाद, ऑक्टाविया हिल सोसाइटी के काम के बाद, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के बाद, ठीक है। और इन सब का बेस कहाँ से आया, ठीक है, जो पिछले वाला एक्ट था, जो मैंने पिछले एक्ट में आपको बताया, पुअर्स एक्ट एलिजाबेथ का, ठीक है, वहां से उसको बेस मिला। इसके बाद क्या हुआ, जब अवेयरनेस हुई तो वहां की यूनिवर्सिटीज में सोशल वर्क एज ए सब्जेक्ट अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो ये पूरी हिस्ट्री, पिछला वाला लेक्चर और ये करके हम बता सकते हैं कि सोशल वर्क का ओरिजिन यूके में कैसे हुआ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि अब यूएसए में कैसे हुआ। यूएसए में सबसे पहले क्या था, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मूवमेंट जो था 1877 में था न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये एक SH गौथिन, ये फाउंडर थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। इन्होंने क्या करा, प्रोफेशनल अप्रोच करी, ठीक है, प्रोफेशनल अप्रोच, ठीक है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द पीपल्स प्रॉब्लम, असल में उनको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इन ए साइंटिफिक में आल्सो, साइंटिफिक वे जो है उसके अकॉर्डिंग, प्रोफेशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि न्यूयॉर्क के आसपास के जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम का रीजन जाना और जो उनका इन्वायरमेंट था, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करी। क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट मॉडिफाई कर देंगे तो क्या होगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक नई, ठीक है, इससे उनका एम्पावरमेंट होगा, ठीक है। तो ये इनकी बेसिक थीम थी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट की, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरा आपको, एक हल हाउस वहाँ पे फेमस था, ठीक है, ये जो था जेम्स एडम थे, ठीक है, और इनके कुछ फ्रेंड थे, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था हल हाउस। क्या करता था हल हाउस, जो था
ये यंग स्टूडेंट ठीक है, इनका एक ग्रुप था ठीक है। ये क्या करते थे, आसपास के लोगों को ठीक है ना, जो एडल्ट लोग थे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते थे ठीक है, काउंसलिंग करते थे उनकी ठीक है, डे केयर सर्विस करते थे उनकी, दिन में वहीं पे जाते थे, वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनते थे, उनको आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे। तो एक हल मूवमेंट हो गया, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है न्यूयॉर्क में। उसके बाद क्या हुआ, चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट स्टार्ट हुआ यूएसए में। चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट जैसे इसका नाम है तो आपको पता होगा इसमें क्या क्या होना चाहिए ठीक है, कि जो बच्चे हैं ठीक है उनका कैसे उनको मोटिवेट किया जाए जिससे कि वो एक राइट पाथ को फॉलो करें ठीक है। तो ये उन्होंने किया था। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, कब आया था यूएस में बताओ, 1929 में आया था, याद रहना चाहिए आपको, इकोनॉमिक्स में भी बहुत पूछते हैं। तो जब 1929 में जब डिप्रेशन आया तो नेशनल लेवल पे वेलफेयर एक्टिविटी के लिए वहाँ की जो सरकार थी ठीक है ना, वो फोर्स्ड हुई कि वेलफेयर एक्टिविटी होनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, फेडरल एमरजेंसी प्लान आया ठीक है 1931 में। इसने पूरी मतलब एक तरीके से नई एनर्जी प्रोवाइड करी सारे मूवमेंट को ठीक है। इन्होंने क्या करा, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ दिया वहां पे ठीक है। जैसे बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता ठीक है। जब ये सारी एक्टिविटी हो गई वहां पे तो फेडरल एमरजेंसी प्लान आ गया ठीक है। उसके बाद लोग ज्यादा एक्टिवेट हो गए, सोशल वर्क करने लग गए, सोशल वर्क नहीं अभी सोशल सर्विस ही करने लग गए ठीक है। फिर धीरे धीरे वहां की यूनिवर्सिटी में ये एज ए सोशल वर्क अडॉप्ट होने लग गया कोर्स। तो ये पूरी हो गई यूएसए की हिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे इंडिया की हिस्ट्री। पहले लेक्चर में बताया था, पहले वीडियो में ठीक है, तो मैंने वहां पे आपको ऋग्वेद का अटैचमेंट दिया था, वो सेम यहीं पे रिपीट करना है। फिर मैंने आपको उपनिषद का अटैचमेंट दिया था ठीक है, फिर मैंने गीता का अटैचमेंट दिया था। ये तीनों अटैचमेंट आपको ऐसे कैसे बताने की, ये हमारे एंशियंट जो है लिटरेचर ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट पहले से सपोर्ट करते थे कि सोशल सर्विस होनी चाहिए ठीक है। अगर हम इंडिया में इसके ओरिजिन को तीन पार्ट में देखें, एंशियंट पार्ट में देखें ठीक है, ब्रिटिश पीरियड टाइम पे देखें और आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें, तो हमें एक पैटर्न मिलता है। एंसेंट का तो सारा ये हो गया अटैचमेंट जो मैंने दिया था, उसको ऐड कर लेना ठीक है। उसके बाद हो गया ब्रिटिश पीरियड में, आपको पता है सोशल रिफॉर्मर्स आए थे इंडिया में ठीक है, ब्रह्म समाज हुआ था, राजा राम मोहन राय का, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ठीक है, रामकृष्ण मिशन ठीक है। इन मिशनों को डिफाइन नहीं करना है, खाली लिखना है वहाँ पे। तो ये सारे मिशन क्या थे, जो लोगों को प्रॉब्लम थी, जो सुपरस्टिशियस नेचर था, जो इरेशनलिटी थी सोसाइटी में, उसको उन्होंने क्या करा, चेंज करने की कोशिश करी। जो एंशियंट चीज़ें थी हमारी ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं रह गया था, तो उन्होंने कहा वेस्टर्न आइडिया को अडॉप्ट करो ठीक है, और जो इंडियन बेसिक चीज़ें थी उनको और स्ट्रेंथ करो ठीक है। तो ये सब इनका मोटो, मेन मोटो क्या था, इन सब चीज़ का सोशल रिफॉर्म लाना। सोशल रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक तरीके की सोशल सर्विस देना लोगों को। तो ये ब्रिटिश के टाइम पे हो गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें लिंक कहाँ से मिलता है, जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद आया स्पेशल मैरिज एक्ट ठीक है 1954 का, फिर हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955 में ठीक है, फिर डॉरी एक्ट आया, दहेज नहीं लेना है किसी को 1961 में, फिर उसके बाद आपका अनटचेबिलिटी आया 1955 में।
तो ये सारे एक्ट क्या थे, ये क्या थे, जो भी जो वल्नरेबल सेक्शन थे ठीक है सोसाइटी में, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए तो थे ये सब चीजें ठीक है। और जो अपलिफ्टमेंट जो हो रहा था किससे हो रहा था, बेस तो इससे गया था सोशल सर्विस ही था। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में एंशियंट ब्रिटिश और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सोशल सर्विस पहले से थी, बस इसका जो प्रोफेशनल वे में आया यूनिवर्सिटीज में तो क्या हुआ एज ए कोर्स हो गया। अब इसके बाद जब इंडिया में कैसे अडॉप्ट हुआ था यूनिवर्सिटी में, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा यूनिट नंबर 2 में, अभी नहीं बताऊंगा ठीक है, क्योंकि तो अभी बताऊंगा तो हॉचपॉच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट पूरा हो गया ठीक है, ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट हो गया हमारा, कॉन्टेक्स्ट यूएसए हो गया ठीक है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट हो गया ठीक है। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ठीक है ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब आप इसमें जो भी अपना ऐड कर सकते हो, जैसे एंशिएंट में बहुत चीजें ऐड कर सकते हैं ठीक है, ब्रिटिश टाइम पे और बहुत सारे हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि SNDP यूज कर सकते हैं, ज्योतिबा फूले का कर सकते हैं ठीक है। तो किसी का भी जो मर्जी आप करो, मेन जो है वो होना चाहिए, एडिशनल टाइम मिले तो वो भी कर सकते हो ठीक है, और यहाँ पे भी एक्ट बढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट पूरा हो गया, अब आगे हमें अलग यूनिट में आपको लेके चलता हूँ।